नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज आपको कुछ नया दिखाता हूं। दोस्तों, आप सभी के फोन में यानी कि जितने भी स्मार्टफोन हैं या फिर सिंपल फोन है, लगभग सभी में जीमेल का ऑप्शन होगा या फिर जीमेल का एप्लीकेशन जरूर होगा, जहां पर मैंने अभी टच किया। दोस्तों, ईमेल भेजने के लिए हम जो है जीमेल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। ईमेल और जीमेल में डिफरेंस होता है, यानी कि जीमेल का एप्लीकेशन होता है और हम जीमेल के एप्लीकेशन में ही ईमेल सेंड करते हैं। दोस्तों, जैसे ही मैंने जीमेल पर क्लिक किया तो हमें सबसे नीचे कंपोज का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो फ्रेंड, जैसे ही जो है हम कंपोज पर क्लिक करेंगे, ईमेल किसी को भी सेंड करने के लिए हमें जो है इस एडिट के ऑप्शन या फिर कंपोज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही फ्रेंड्स मैंने इस पर क्लिक किया तो सबसे ऊपर कंपोज लिखा हुआ आया और तीन सिंबल आ गए। पहला अटैच फाइल का है, दूसरा सेंड का है और तीसरे थ्री डॉट है। जैसे ही हम थ्री डॉट पर फ्रेंड्स क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं। शेड्यूल सेंड का, यानी कि कितने बजे हमें जो है ईमेल सेंड करना है किस व्यक्ति को, तो ऑटोमेटिकली उस समय उसको सेंड हो जाएगा हम जो टाइम डालेंगे। एड फ्रॉम कॉन्टैक्ट, किन किन को भेजना है, कॉन्फिडेंशियल मोड, सेव ड्राफ्ट, डिस्कार्ड, सेटिंग, हेल्प एंड फीडबैक, ये सारे ऑप्शन थे। उसके बाद फ्रॉम का ऑप्शन जो है नजर आ रहा है, जहां से हमारा ईमेल जो है लिखा हुआ है, यानी कि इस ईमेल से जो है आगे ईमेल जो है सेंड होगा। तो दूसरा है टू का ऑप्शन, टू के ऑप्शन के इधर देखो तीर का निशान आ रहा है, इस पर जैसे ही फ्रेंड्स हम क्लिक करेंगे तो हमें जो है तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है, मुद्दा है, यानी कि टू सीसी और बीसीसी। उससे पहले सब्जेक्ट और कंपोज ईमेल का ऑप्शन नजर आ रहा है टू के नीचे। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट में हम उस विषय का जो है फिल करेंगे, उस विषय को फिल करेंगे जिनमें हम कोई भी सूचना लिखेंगे। कंपोज ईमेल में फाइल या फिर फोटो जो भी है अटैच कर देंगे। तो फ्रेंड, टू पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है, टू सीसी और बीसीसी। इनका मतलब क्या होता है, हमारा मेन टॉपिक यही है, इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। टू का मतलब होता है जो भी सब्जेक्ट हमने डाला था, यानी कि जो भी ईमेल हम लिखकर एक व्यक्ति को यदि हमें सेंड करना है तो टू में उसका ईमेल एड्रेस डाल देंगे, यानी कि टू में उसका ईमेल एड्रेस जो है पेस्ट कर देंगे या फिर लिख देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स सीसी का दूसरा जो ऑप्शन है वो सीसी का है। सीसी का मतलब होता है, अधिकतर ये प्राइवेट कंपनियां सीसी का प्रयोग करती है या फिर सरकारी संस्थाएं सीसी का प्रयोग करती है। सीसी का मतलब होता है 4, 5, 6 कितने भी लोग हैं उन सभी के ईमेल एड्रेस जो है सीसी में डालकर जो भी हम जो है एक ईमेल, यानी कि एक ही ईमेल को यदि हमें बहुत सारे लोगों को सेंड करना है तो उन सभी के ईमेल सीसी में लिखकर उनको सेंड करेंगे तो उन सभी को ये पता होगा कि ये जो हमारे पास ईमेल आया है ये उन सभी लोगों के पास गया है। उन सभी के जो है फाइल्स जो है उन सभी को आपस में पता चल जाएगा कि ये ईमेल एड्रेस जो है मेरे पास भी आया है या अलग अलग डिफरेंट लोगों के पास आया है, उन सभी को आपस में पता होगा। लेकिन बीसीसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीसीसी में हम जितने भी लोगों का जो है ईमेल एड्रेस डालकर उनको एक ही ईमेल सेंड करेंगे तो उनको आपस में ये पता नहीं होगा कि ये ईमेल एड्रेस जो मेरे पास आया है वो औरों के पास आया है या नहीं आया है। तो फ्रेंड बीसीसी और सीसी में ज़्यादा आपको कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सीसी में जिनको जिन जिन लोगों को हम जो है ईमेल सेंड करेंगे तो उन सभी को आपस में ये पता होगा कि ये ईमेल जो एड्रेस है हम सभी के पास आया है। लेकिन बीसीसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीसीसी में उन सभी को आपस में ये पता नहीं होगा कि ये जो ईमेल एड्रेस है किन किन लोगों के पास आया है या फिर नहीं आया है। उन सभी को अपने ही बारे में पता होगा कि मेरे पास जो है ये ईमेल एड्रेस जो है आया है। तो दोस्तों, बीसीसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीसीसी का मतलब ही ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा और अंधे को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, यानी कि जो प्रतिलिपि या फाइल जिनको भी हम भेजेंगे उन सभी को आपस में पता होगा, उन सभी के पास एक ही लिस्ट शो होगी, एक ही जो है ईमेल एड्रेस जो है सभी के पास शो होगा और उनमें उनको पता चल जाएगा कि ये जो है जो हम सीसी में जो हमने जो इन्फॉर्मेशन डाली थी या फिर जितने भी जो है लोगों को ईमेल सेंड किया था उन सभी को आपस में ये पता चल जाएगा कि ये जो है ईमेल है हम सभी के पास आया है। लेकिन बीसीसी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीसीसी में आपस में उनको ये पता नहीं होगा कि किस किस को जो है ये ईमेल गया है। तो फ्रेंड, आपको फाइनली ये पता चल गया होगा कि टू सीसी और बीसीसी में क्या अंतर है। तो आप भी बिल्कुल ऐसा ही कीजिए।